यूपीएससी में 437वीं रैंक प्राप्त करने वाले नयन गौतम का अलीगढ़ में हुआ स्वागत। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे लोग। सेल्फ स्टडी कर हाल ही में निकले यूपीएससी के रिजल्ट में 437वीं रैंक प्राप्त कर अलीगढ़ के नयन गौतम ने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। नयन गौतम दिल्ली से अपने पैतृक शहर जब अलीगढ़ लौटे तो परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने नयन का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, मिठाई खिलाई। इस दौरान परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। महिलाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। इस दौरान नयन गौतम ने परिवार के साथ मिलकर सबसे पहले नौरंगाबाद स्थित प्राचीन नौ देवी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए। तदुपरांत क्षेत्र में जुलूस नुमा भ्रमण किया और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद अपने घर के पास स्थित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया। परिवार की महिलाओं ने टीका लगाकर नयन गौतम को घर में प्रवेश कराया। यूपीएससी में पास होने के बाद नयन गौतम ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में रहकर सेल्फ स्टडी की, जिसमें उन्हें सक्सेस प्राप्त हो चुकी है। नयन का कहना है कि स्टूडेंट को मेहनत करते रहनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। आपको यहां बताते चलें कि नयन गौतम मूल रूप से अलीगढ़ के सिंह विहार कॉलोनी के निवासी हैं, जिनके पिता कालीचरण बैंक से रिटायर हैं। पिता कालीचरण के मुताबिक नयन गौतम उनके तीसरे नंबर के पुत्र हैं। लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। मुझे इतनी खुशी है कि जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पांच बच्चे हैं। ये जो नयन है ये तीसरे नंबर का है, इससे बड़ी बड़ी दो बेटियां हैं। अन्य लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य लोगों के लिए संदेश है कि इसका अनुसरण करें, नयन गौतम का। जी मेरा चयन यूपीएससी 2022 में आईएएस पद पे हुआ है और इसके लिए मैं पिछले दो साल से प्रयास करता और इसके लिए तैयारी के दौरान मैं दिल्ली में रहा हूँ। फादर क्या करते हैं? जी पिताजी मेरे रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। तैयारी कब से कर रहे थे? तैयारी पिछले 2-3 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ा, किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा स्टडी के दौरान? देखिए, तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहती ही हैं, जैसे लगातार निरंतर नंबर ना आना और ये सब समस्याएं रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला तो ऐसी कुछ खास समस्याओं का मुझे सामना नहीं करना पड़ा है। कितने हावर जो है अपने स्टडी रखते हैं? मेरे हिसाब से इसके लिए 2-3 घंटे रोज पढ़ना काफ़ी है, लेकिन मेंस के दौरान आपको 10-12 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टडी के लिए आपने किसी कोचिंग को चुना था या सेल्फ स्टडी को? जी मैंने किसी कोचिंग से कोई मैं जुड़ा नहीं हुआ हूँ, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। स्टडी के दौरान क्या दिन का समय चुनते थे या रात का समय चुनते? देखिए स्टडी इंसान को उस वक्त करनी चाहिए जिस समय वो कंफर्टेबल हो, तो कोई एक समय बना के रखना पूरे साल भर के लिए मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल भी है, इसलिए जिस समय आपको वक्त मिले उस समय आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए। अच्छा, अब आप जो है पास हो चुके हैं, आपकी रैंक कितनी आई है? मेरी रैंक है 437। 437 रैंक आने के बाद आप अपने घर पर आए? जी। किस तरह स्वागत हुआ है, किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है आपको? ये सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं, सभी लोग काफ़ी खुश हैं, तो मैं भी काफ़ी खुश हूँ, तो बस यही सब चल रहा है। कहाँ कहाँ अभी भ्रमण किया आपने? अभी तो मैं कल ही आया हूँ घर, तो अभी प्लान बनाऊँगा कहाँ कहाँ जाना है। यहाँ पे आके कहाँ का भ्रमण किया जब स्वागत के दौरान? तो अभी मैं क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास गया था, उसके अलावा यहाँ पास ही में एक मंदिर है वहाँ से हम लोग आए हैं। मंदिर जी। परिवार के लिए और क्या कहेंगे आप? परिवार के लिए जो भी तारीफ करूं मैं उतनी कम है, इन लोगों ने मेरा हर वक्त हर समय सपोर्ट किया है, तो बस यही शब्द है मेरे लिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार स्टडी करते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आ पाता है और फिर वो अपना हताश हो जाते हैं? ये उनके लिए बस एक ही एडवाइस है मेरे लिए कि ये खुद पर भरोसा रखिए, आपको जो स्ट्रेटजी मालूम है वो सही है, बस किसी और नई स्ट्रेटजी के पीछे ना भागें। जो चीज़ें सभी को मालूम है जैसे बेसिक्स पर ध्यान देना, उसी पर आप बढ़ते रहें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।